हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग अपने इस स्टैंड की। तो ये रहा मेरे पास अमेजोन से पार्सल आ चुका है। मैंने मंगाया था हेलमेट माउंट होल्डर, मोबाइल होल्डर, जो मैं अपने हेलमेट लगा के, अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो इस स्टैंड की मदद से। तो करते हैं हम इसकी अनबॉक्सिंग फटाफट। सो गाइस, हम सबसे पहले अपने बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो ये हमने बिल आप यहाँ पे देख सकते हो, डिटैचिंग इसको हम यहाँ से करेंगे कट। फ्रेंड, हमें यहाँ से कट कर दिया, हम खोलेंगे। ऐसे हम जैसे चाहते हैं कि हम इंडियंस हैं, तो इंडियंस को फटाफट खोल ही देते हैं बॉक्स को, इतना टेंशन नहीं लेते करनी। तो बॉक्स खोलने के बाद मुझे सबसे पहले दिखता है इसका बिल, जो अमेजोन से मैंने मंगवाया था, इसको आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बिल्कुल रखते हैं हम साइड पर, उसको हम देखते हैं हमें इसके अंदर मिलता है। देखें, ये हमारा एक्शन प्रो का माउंट स्टैंड। बाकी तो बॉक्स खाली है, बाकी बॉक्स हम क्या करेंगे, क्वारी को दे देंगे, एक मिनट मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे स्टैंड देख सकते हो, इस तरीके का स्टैंड है, काफ़ी अच्छा स्टैंड लग रहा है हमें ये एक्शन प्रो का। तो हम इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है। तो सो गाइस, हमें सबसे पहले इसके अंदर मिलता है एक रबर, देखते हैं किस काम आएगा हमारे आगे। और हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलता है एक ये मोबाइल होल्डर, और हमें देखने के लिए मिलता है ये हमारा जो हमारी हेलमेट बेल्ट वाला है चीज़ है। मैं आपको सब कुछ अभी क्रैक करके दिखाऊंगा अपने हेलमेट के साथ। और हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलता है कोई, हम देखेंगे जब हम अटैच करेंगे अपने हेलमेट के साथ, तो देखेंगे हमारी कौन सी चीज़ कैसे यूज करेंगे इसकी। और हमें देखने के लिए मिलता है इसके अंदर एक स्टिकर है, एक कार्ड एक्शन प्रो का, और ये दो आइटम हो रहे हैं। तो हम करते हैं, कर लेते हैं अपने हेलमेट के साथ क्रैक, तो देखते हैं कि कैसी वीडियो हमारी शूट हो पाती है इससे। तो चलिए, स्मेल ले आया अपनी हेलमेट, तो इसके यहाँ पे हम इसको करेंगे कनेक्ट। तो देखते हैं कि हमारा कैसे होता है कनेक्ट, किस तरीके से हमारा कनेक्ट हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपने इस हेलमेट को यहाँ पर रख लेता हूँ पहले, और मैं कैमरे को थोड़ा सा पास ले आता हूँ, क्योंकि मैं करने वाला हूँ हेलमेट में फिटिंग करने वाला हूँ इसकी। गाइस, आपको सबसे पहले इस वाली चीज़ को आपको यहाँ पे ऐसे माउंट करना है, जैसे आप देख सकते हो, आपको दोनों ये बेल्ट होंगी इस हेलमेट के पीछे निकालनी है। और इस वाली क्लिप में आपको, इस वाली क्लिप में आपको ये वाली जो आपको बेल्टें होंगी ये आपको डालनी है। तो आपको डाल के दिखा देता हूँ फटाफट। आपको फ्रेंड सिर्फ इसके अंदर डालना, बाकी अगर टाइट होगा वो बड़ी आराम से हो जाएगा आपका टाइट। आपको एक बार बस इसके अंदर इसको डालना है, बस ऐसे फिटिंग करके। ऐसे हम एक डाल चुके हैं अपना, तो अब मैं इसको अगर थोड़ा सा खींचूंगा तो ये टाइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ से दोनों इंस्टॉल कर लिए हैं। अब आपको यहाँ पे अपने हेलमेट के साथ इसको टाइट कर लेना, जैसे आप यहाँ पे रखना चाहते हो। ये मेरा स्टैंड हो गया, अब मैं इसको खींचूंगा तो ये टाइट होता जाएगा। आप जितना खींचोगे उतना ये टाइट होता जाएगा। आपको यहाँ से क्लिप बैंड कर देना इसका, मैं और खींचता हूँ, ये टाइट हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छे से ये टाइट हो चुका है। ये देखिए बड़ा अच्छे से टाइट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो चुका है यहाँ से टाइट। और फ्रेंड, इसके ऊपर जो आपको आइटम फिक्स करनी है वो रही ये हमारी ये वाली आइटम, ये वाली एक्सट्रीम प्रो। आपको सीधा रहना चाहिए, आप इसके अंदर इसके प्लेस करोगे जब जाएगा इसके अंदर, ये देखिए फ्रेंड्स ये बिल्कुल फिट हो गया इसके अंदर, यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स आपका रहेगा ये वाला माउंट, जो आपका ऐसे कनेक्ट होगा इसके साथ, उल्टा नहीं कर देना, आपको मोबाइल फिट नहीं होगा बाद में। फिर आपको ये ऐसे रखना है, और गाइस इस वाले पोर्शन में आपको ये वाला नट डालना है, ये वाला ये लॉन्ग नट डालना है आपको इस वाले पोर्शन में, जिससे आप ये कभी खुले रहेंगे, मतलब ये अच्छे से रहेगा, फिट रहेगा, आपको खून गिरने के कोई चांस नहीं होंगे। और जब इसे टाइट कर लोगे तो ये मैं कर चुका हूँ टाइट, तो आप ये बड़ी मतलब बहुत ही हार्ड से आगे पीछे होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपका रहेगा ये वाला रबर, जो मैं आपको बता रहा था पहले किस तरह काम आएगा। आपको इस रबर को इसके पीछे रखना है, ऐसे रखोगे इसके पीछे, और यहाँ से फिट कर लोगे इस वाले कर लोगे इस वाले पोर्शन का। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा ही फिट हो चुका है, हमारी हेलमेट कुछ इस तरीके से बन के आ चुकी है। अब हमें ब्लॉगर वाली फीलिंग आ रही होगी कि हम भी अब ब्लॉग बनाएंगे। उसके लिए फ्रेंड्स आपको एक अच्छा
कैमरा फिर अच्छा था, एक फ़ोन चाहिए। गाइज मैं फ़ोन को कर लेता हूँ यहाँ से कनेक्ट और आपको एक वीडियो शूट करके भी दिखाऊंगा कि कैसी वीडियो हमारी फिलहाल बनती है। तो हम डाल लेते हैं फटाफट से फ़ोन को और मैं आपको साथ एक वीडियो शेयर करता हूँ जो मैंने इसके साथ बनाई है। बाइक की भी बनाई है और यहाँ से चलते हुए भी बनाई है, मैं आपको दोनों दिखाऊंगा। ये रही, हमने कर दिया इसको ऐसे बंद। अब यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से फिटिंग हो जाएगी आपकी हेलमेट के साथ। ये माउंट स्टैंड ये देख सकते हो, फ़ोन गिरने के कोई चांस नहीं है। वैसे अगर आप रबड़ जैसे हो, आपको ये मैंने दिखाया था, आप ये रबड़ भी लगा सकते हो अपने फ़ोन के साइड साइड पर, जिससे कुछ इस तरीके से आपका रबड़ फिट होता है मोबाइल के साइड पे ऐसे। और हमारा एक रह चुका है ऐसे, आप देख सकते हो मोबाइल गिरने के कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि हमने काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन लगाई हुई है। यहाँ पर रबड़ भी लगा हुआ है और नाट आपका टाइट ही होगा हमेशा। इसको डालने के बाद दोस्तों हमें पूरी ब्लॉगिंग वाली फीलिंग आ रही है। आप हमारे दिल का हाल नहीं जान सकते कि कैसा लग रहा है हमें अभी। तो चलिए मैं आपको दो टेस्ट करके दिखाता हूँ, एक मैं आपको बैटरी करके दिखाऊंगा कि कैसी वीडियो बनती है और मैं आपको बाइक पर दिखाऊंगा। तो चलते हैं। गाइज मैंने आपको दोनों वीडियो दिखा दी, एक चलते हुए भी एक बाइक वाली भी। आप कौन सी वीडियो अच्छी लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हो, और आप भी बाय करना चाहते हो इस प्रोडक्ट को तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपके एक नेक्स्ट वीडियो में।